नमस्ते शख्स, मेरा नाम जय सोटा है। और मेरा नाम आकाश सोटा है। हम मुंबई से हैं और कब्जी के को-फाउंडर्स हैं। जय और मैं एक ऐसे परिवार से आते हैं जो पिछले 5 जनरेशन से चाय के व्यापार में है, लेकिन हमने हमारी कस्टमर्स की नीड्स को बदलते हुए देखा है। इनफैक्ट ज्यादातर यंगस्टर्स की तरह जय और मैं भी कन्वेंशनल चाय से कुछ खास ज्यादा कनेक्ट नहीं करते। हमारी जनरेशन की डिमांड्स ही अलग है। हमें चाय भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, वैरायटी भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए और उसे बनाने में मेहनत भी नहीं करनी। तो इसी का ऑल इन वन सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ओह, सो शख्स, विल यू डू दिस विद अस? गिव मी अ सी। सी यू, लेट्स डू अ बी। पी, गिव मी अ जे। जे, गिव मी एन आई। आई। सो कब्जी। कब्जी में हमने ऐसे पेपर कप्स बनाए हैं जिसके बॉटम में ग्रीन टी है। जस्ट पोर बॉइलिंग वाटर फ्रॉम द टॉप, स्वर्ल, पोर एंड टेस्टी ग्रीन टी तैयार। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। वैरायटी लवर्स के लिए इंडिया में हमने 8 क्रेजी देसी टेस्टी फ्लेवर्स बनाए हैं, जैसे कश्मीरी कावा, कोकम, पान, चटकारा एंड इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओवर 23 फ्लेवर्स बनाए हैं। कन्वीनियंस एंड कंसिस्टेंसी इन एवरी कप ऑफ कब्जी। कब्जी के हर कप में 8 से भी कम कैलोरीज हैं, क्योंकि हमने इसमें सब नेचुरल यूज किया है और ये 100% शुगर फ्री है। हमारा विजन है कि चाहे आप कश्मीर के पहाड़ों में ठंड से कांप रहे हो कि रामेश्वरम के बीच कैफे के मजे ले रहे हो, कब्जी हर जगह अवेलेबल हो। और हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 5% इक्विटी। तो शख्स, आज आप क्या पीना पसंद करेंगे? चाय, कॉफी या कब्जी? आप कुछ पिलाएंगे? Sure. अच्छा, कौन सा? आपकी पर्सनालिटी का तो टेस्ट आ रहा है, but till then you can just look at the package. अच्छा, पीने भी कुछ ला रहे हो ना? टेस्ट लेकर आ रहे हैं। I'll take the pan. Amazing. Interesting. Smells so good. Wow. The pan smell is crazy. Great idea, though. It's a great idea. क्या नाम है? Chatkara. I just find it cool. Ma'am, for you we have kokum. This one? Yeah. For you we've got pomegranate. Yes. आप black tea भी करते? Yes sir. Ma'am, for you we have caramel black tea, which is this cup. Oh, nice. I love it. Sir, आपके लिए pan green tea. Thank you. इसमें चीनी प्रीमिक्स है क्या? बहुत मीठी है तो। सर, इसमें हमने ना मुलेठी यूज किया है, सो देयर इज नो शुगर इन दिस। पर इसमें तो वैसे स्टीविया लिखा है। सो देयर आर सर्टेन फ्लेवर्स व्हिच हैव स्टीविया, नॉट उनको जो पान मिला है। हाँ, उसमें स्टीविया एंड मुलेठी बोथ है मैम, लिकोरिस रूट्स भी लिखा है। ग्रीन टी में लेता हूं बहुत, बट मैं फीकी लेता हूं। इसमें ऑप्शन है कुछ? यस, वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। यस, लुक, आई एंजॉयड द टेस्ट ऑफ इट। अच्छा है। Nice fun branding. Yeah, I love the vibe everywhere. Very nice colors. Branding is amazing. इसपे छोटी छोटी details are so well thought through. It's lovely. Very nice. So it brings some life into a boring category like yes, yes, green that's tea. The vision. Absolutely. Yeah, fantastic. पर इतनी महंगी क्यों है? 22 रुपए का एक पड़ रहा है, बहुत महंगा है। नॉर्मल ग्रीन टी तो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। लिप्टन ग्रीन टी कितने का आता है एक टी बैग? It will be about 7 rupees. 7 rupees. Yes. ये अपने को बढ़ रहा है 22 का, almost 3 times. Yes. Yeah. Sir, Lipton green tea में आपको fannings मिलेगा, which is the smallest grade of green tea. जो double chamber tea bag होती है sir, उसमें space उतना नहीं होता, इसलिए उसको green tea भी सबसे छोटी जाती है, और उसमें real ingredients डालने का scope नहीं है. What do you mean by real ingredient? अगर आप हमारा rose cardamom का cup जो आपके पास पड़ा है, वो फाड़ के देखेंगे sir, तो उसमें आपको dried rose petals, आपको cardamom husk, fennel seeds, तो आपको ये जो golden desi flavour आ रहा है, वो real ingredients brew करने की वजह से आ रहा है। मतलब whole leaf tea bag का कोई अगर range start करे, तो ये problem solve हो जाती है, right? नहीं मैम, आप अगर whole leaf tea bags चाहते, तो वो pyramid tea bags के form में market में available है। pyramid tea bags में मैम consistency का issue आता है, आपको एक consistent taste नहीं आता। प्लस यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वॉच, ओवर ब्रू तो नहीं हो रहा है, देन मुझे उसको डिस्पोज करना है, वो ड्रिप करते करते आपके सब जगह गिरेगी। सो कन्वीनियंट एंड कंसिस्टेंसी, वो लाने के लिए हमने इसको पेपर कप्स के अंदर डाला है। तो ये जो आपका यूएसपी है, जहाँ ये सैशे होता है, वो तो यू नो बोलते हैं बैरियर टू एंट्री इज वेरी लो, वेरी इजी टू कॉपी, राइट? यस मैम, बट इसी के लिए हमारे पास हमारे मोड्स भी तैयार है।
हमारी टिपिकली 5 मोट है मैम इसके. ओहो 5 मोट्स. बताइए. मजा आएगा बताओ. सो वी कम फ्रॉम अ फैमिली व्हिच इज 5 जनरेशंस इनटू टी. मतलब चाय को क्या सिलेक्ट करना क्या नहीं करना वो हमें अच्छे से आता है. आपकी चाय के बगान है या फिर आप ट्रेडिंग करते हो? नहीं सर, तो ट्रेडिंग करते हैं. मतलब पिताजी ने 25 साल लास्ट अपने लाइफ के एक्सपोर्ट में ही डाले हैं. आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा फनी स्टोरी है यहाँ पे. हमारी फैमिली 5th जनरेशन तक सेम है. अदरवाइज हमारा चाचा भतीजा का रिलेशन है. oh, really? जहाँ पे 2700 के मैं भतीजा हूँ, 24 का होके ये चाचा है. अरे वाह. बट कजन कजन चाचा टाइप राइट? ओके सो मच. सेकेंड हमारा मोड यहाँ पे आता है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं. सो वी हैव द राइट टू क्यूरेट डिफरेंट ब्लेंड्स एंड वी हैव द प्राइस एडवांटेज इन द मार्केट. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, जैसे कि मैंने बताया, पिताजी 25 साल से जब चाय का एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो हमें एक्सपोर्ट मार्केट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या फ्लेवर्स चलते हैं क्या नहीं चलते, कौन से कंट्रीज हैं जो ज्यादा करके टी कंज्यूम करते हैं. तो आज अगर कोई ब्रांड आता भी है मार्केट में, तो हमारी तरह एक्सपोर्ट मार्केट में घुसने में थोड़ा डिफिकल्टी जरूर एक्सपीरियंस करेगा. फोर्थ है हमारा विजन टू मेक ग्रीन टी टेस्टी एंड हेल्दी. उसको मोट नहीं बोल सकते. आपने जो 4-5 मोड्स बोल दिए वो सारे अप्लाई कर सकते हैं बिना इस पैकेजिंग के कॉम्प्लिकेशन या डिस्ट्रप्शन के, राइट? इनका पैकेजिंग से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप क्यों नहीं बेटर फ्लेवर्ड टेस्टियर ग्रीन टी बना रहे? क्यों आप ये सारा कर रहे हो? वेरी सिंपल, हमने ये ब्लेंड्स बनाए और बहुत सारे चाय वालों के पास, दुकानों में, गार्डन्स के पास भी खड़े रह के ये पिलाए लोगों को. लोगों को हमारे ब्लेंड्स बहुत अच्छे लगे, बट व्हेन दे टुक इट होम एंड मेड इट, तो उनको ये सेम एक्सपीरियंस नहीं आया. क्यों? जब ही उन्होंने घर पे बनाया, कितना डालना है, एग्जैक्टली कितना डालना या मेजर्ड अमाउंट ऑफ ग्रीन टी क्या होती है, वो उन्हें पता नहीं था. तो हमें 130 ml के मग में पिए या बड़े में पिए, वो कन्फ्यूजन था. ये आपने हर जगह यहाँ पे ना थोड़ा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अरेबिक में लिखा है. ऑलरेडी कब्जी सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में सेल होता है. गल्फ फूड करके एक एग्जीबिशन जो सब बहुत बड़ी, एग्जैक्टली वहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट हमारा प्रेजेंट किया, तो वी वर नॉमिनेटेड एज द मोस्ट इनोवेटिव बेवरेज. अलॉन्ग विद दैट वी आर द ओनली इंडियन कंपनी टू गेट दैट. उसी के दौरान हमें हमारा फर्स्ट फुल कंटेनर लोड का ऑर्डर मिला फॉर सऊदी अरेबिया. हमने दूसरा कंटेनर भी वहाँ पे भेजा, वहीं से हमें दुबई का ऑर्डर मिला, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के लिए भी हमारा नेक्स्ट कंटेनर शिप कर. और आपकी GTM स्ट्रेटजी भी क्या है पूरी? फर्स्ट है एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट में हमें एक लेयर ऑफ कन्वीनियंस ऐड करते हैं टू द ब्लैक एंड ग्रीन टी कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब, जो बहुत बड़ी है. मतलब नंबर्स भी क्वांटिफाई नहीं हो सकता. दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि हम प्रमोशनल गिफ्टिंग में काफी ज्यादा अच्छा काम करें, स्पेशली फार्मा गिफ्टिंग. हमारे एक ब्यूटीफुल पैकेजिंग है और यूनिक एक या आइडिया है, उसके लिए हमें काफी अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन बनते हैं. एक आता है D2C जो Amazon और वेबसाइट से हम सेल करते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर जो हमारे बिजनेस का हम डेवलप कर रहे हैं इज इंस्टीट्यूशनल सेल्स. जैसे कि आपके ऑफिस में एक अच्छा सा कॉफी मशीन, चाय मशीन होगा, उसी के साथ साथ हम एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव आपके एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं. लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा एम्प्लॉयज के? हमको 20 रुपए खर्चा करना पड़ेगा हर कप के लिए. जब भी हम ऑफिस में बेचते हैं तो हम काफी उसको एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे बेचते हैं जो काफी कन्वीनियंट हो एडमिन्स को उसको यूज करने के लिए. तो ये जो प्राइस पॉइंट है वो हमें डुअल एडवांटेज देता है. अपने एम्प्लॉयज ने जब आप ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज को मुफ्त में पिलाते हैं FOC, तो वो पीते तो जरूर है, उन्हें अच्छा लगता है, तभी अपने घर वालों के लिए भी लेते हैं. अच्छा। जब घर वालों के लिए लेते हैं तो Amazon या वेबसाइट से लेते हैं. तो हमारे लिए इकोसिस्टम बिल्ड होता है इससे. सेकेंड इसमें इंस्टीट्यूशनल सेल्स में आता है की चैनल्स, जैसे स्पास, सैलॉन्स, हॉस्पिटल, कॉलेज कैंटीन्स. ये भी हमारे बहुत अच्छे सेलिंग पॉइंट्स हैं जहां हम टेस्टी इनोवेटिव ग्रीन टीज लोगों को प्रोवाइड करते हैं. और यंगर जनरेशन के साथ जब भी हमने टेस्टिंग किया है तो लोगों को बहुत अच्छा लगा है, हमें रिपीट ऑर्डर्स आते हैं ऐसी सब जगहों से. सेल्स नंबर तो बता दो यार, अभी तक सेल समझ में नहीं आई. सो टोटली हमने ओवर 62 लाख रुपीस के सेल किए हैं इन द लास्ट 6 months में. 6 महीने पहले शुरू किया आपने? 2022 में हमने हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, फिर हम प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे थे. तो हमारे जो फॉर्मर ऑपरेशंस वो 6 महीने से हुए. तो अबाउट 43% हमारा एक्सपोर्ट से आता है. लास्ट मंथ कितना किया आप? तकरीबन 3.5 लाख का सेल किया बस. बट वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर 1 महीने के नहीं होते. इट्स स्लाइटली फ्लक्चुएटिंग, स्पोरैडिक आता है. अभी इंस्टीट्यूशनल सेल्स और D2C काफी छोटा होगा,
और बाकी कहाँ से आया फिर? प्रमोशन गिफ्टिंग सर। तो मोस्ट ऑफ योर बिजनेस इज एक्सपोर्ट एंड गिफ्टिंग। यस यस। इसको दूसरे तरीके से देखूं, प्रोडक्ट मार्केट फिट जब कहते हैं तो कंज्यूमर खुद इंडिया में ऑर्डर करने लग रहा है बहुत सारा, तो समझ में आता है, तो वो सेल तो आपकी बढ़ नहीं रही, बहुत छोटी सी है रादर। हमने लास्ट 3 महीनों में ही इनफैक्ट ऑनलाइन सेल शुरू की है और उसी में हमने अबाउट 2.6 लाख का बिजनेस कर लिया है। लास्ट मंथ कितना किया आपने विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन? हाँ जी 90,000। और कहाँ पर बेच रहे हो आप? 66% वेबसाइट से सर, 34% अमेज़न से। और थोड़ी यूनिट इकोनॉमिक्स भी बताइए, तो आप यहाँ तक पहुँच गए तो। हमारा ओवरऑल एक कप बनता है तकरीबन 4.5 से 5.5 रुपये में एक कप बनता है। हमारी जो ओवरऑल जीपी है वो अबाउट 40% की जीपी है। जब हम D2C बेचते हैं तब हमारी 75% की जीपी है वहाँ पे। आप कौन सा चैनल एक्सपेक्ट कर रहे हो जो सबसे बड़ा होगा आपके लिए? सर इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स वी होप टू डू अ बिजनेस ऑफ 50 crore जिसमें हमारा 10 crore आएगा एक्सपोर्ट से, दूसरा 10 crore आएगा प्रमोशन गिफ्टिंग से, 40% ऑफ द सेल जो है वो आएगा हमें इंस्टीट्यूशनल सेल से, मतलब 20 करोड़ वहां से आएगा। हाँ तो आप कह रहे हो D2C मेरा ज्यादा होगा ही नहीं? D2C में जाने के लिए सर सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कैश या कैपिटल। आपको बर्न करना ही पड़ता है आज एक D2C ब्रांड बनने के लिए। आप पैसे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? 62 lakhs पे 7 lakh अराउंड बर्न चल रहा है हमारा। 7 lakh ऑन 62 और 7 lakh पर मंथ? 7 lakh ऑन 62, मतलब 1 lakh rupees महीने का आपका बर्न हो। यहाँ पर क्या है कि मेरे को लगी नहीं रही प्रॉब्लम डिफाइंड है कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो। वैसे सुंदर बहुत दिख रहे हैं ब्रांडिंग में, ऑल 10 on 10 marks, बट स्टोरेज की हिसाब से बहुत मुश्किल है। मतलब आई वुड नॉट कीप इतने से, मैं मेरे आ जाते हैं 50-100, राइट? ये मैं इतने सारे कप तो नहीं रख पाऊंगा टेबल पे फॉर श्योर, राइट? तो ये इतना ईजी टू यूज प्रोडक्ट नहीं है फॉर दैट रीजन। सेकेंडली मेरे को लगता है प्राइसिंग जो है स्ट्रैटेजी रीवर्क करनी चाहिए। 22 rupees कप फॉर अ डेली ड्रिंकर इज गोना बी एक्सपेंसिव, क्योंकि नॉर्मल चाय कब से कंपेयर करूँ फिर ग्रीन टी से भी करूँ बहुत ज़्यादा महंगी है। तो बहुत बड़ा मास कस्टमर बेस बनना पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को। आज मैं बाहर हूँ, बाकी शाक सभी बाकी। सो जय आकाश, मेरा मानना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका फैमिली का बैकग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लेंड्स, एक्सपोर्ट्स, उससे आप एक ग्रीन टी में बिजनेस बना सकते हैं। पर राइट नाउ आपका जो कप की तरफ ऑब्सेशन है, दैट इंक्लूडिंग द नेम, दैट वोंट लेट यू डू दैट। तो अभी के लिए मैं बाहर हूँ, बट लव द एफर्ट एंड द थॉट एंड द इनोवेटिव दिमाग दैट यू पुट ऑन दिस, सो गुड लक। ऑनलाइन ग्रीन टी कितना बिकता है आज की तरह? 150 crore का मार्केट है फिलहाल। और इंडिया से ग्रीन टी एक्सपोर्ट कितना होता है? एक्सपोर्ट का ग्रीन टी का परसेंटेज नहीं, बिकॉज प्राइमरीली इंडिया ब्लैक टी एक्सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई वी हैव ब्लैक टी, ग्रीन टी एंड हर्बल टी, 3 categories। अच्छा जी, आपने क्या बताया 50 crore बनाएंगे 2 साल में? यस मैम। 3 साल? विदिन द नेक्स्ट 5 years 100 crore मार्केट बन सकती है श्योरली। मैं आउट हूं। एस्पिरेशन बहुत छोटी है आप लोगों की, 50 crore 3 साल में करना बड़ा नहीं है, बहुत छोटी चीज है। 50 crore तो महीने का होना चाहिए था आपकी एस्पिरेशन। सर दैट इज विदाउट यू, विद यू कम ऑन बोर्ड हम और बेटर करेंगे ना। सर हम प्रोडक्ट को लेके बहुत पैशनेट है और हमें पता है कि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाया, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट सर विजन एंड गाइडेंस, वो अगर कोई हमको गाइड करेगा तो हम बेटर बना सकते हैं। आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको गाइड करना पड़ेगा, फिर मतलब इतना काम भी तो करना पड़ता है। और मार्केट अगर छोटी हो, एस्पिरेशन छोटी हो, टाइम वेस्ट होता है फिर हमारा, अनफॉर्चुनेटली। आई एम ऑल्सो आउट। द इशू इज के ये जो मैंने आपको बताया बैरियर टू एंट्री नहीं है, दिस इज वेरी इजी टू रेप्लिकेट। और ये जो फ्लेवर्स है ग्रीन टी के, वो भी द बिगर टी कंपनीज इंडियनाइज करके एक लाइन एक्सटेंशन दे सकता है। योर सेल्स इज वेरी लो, अगर सेल्स थोड़ा ज़्यादा होता तो वी वुड फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द ट्रैक्शन, तो उसके वजह से आई एम ऑल्सो आउट। आप जो बेच रहे हैं ना दुनिया भर में मिलेगा, इंडियन सैफरन से लेके कश्मीरी कावा, ये अभी कोई नई बात नहीं। सेकेंडली इंडिया से एक्सपोर्ट होना ग्रीन टी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया इज नॉट नोन फॉर ग्रीन टी। ज्यादातर ग्रीन टी जो जानी जाती है, मानी जाती है, दैट इज फ्रॉम चाइना, दैट इज फ्रॉम जापान, राइट? तो वहां पर आपको मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। D2C में ये एक नॉवेल्टी आइटम है बॉस। गिफ्टिंग में कोई लोग अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, जब मैंने भी पहली बार देखा आई थॉट इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग, लेकिन अल्टीमेटली इससे आदत नहीं बनी, राइट? तो आई थिंक अभी तक आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट पूरी तरह हुआ नहीं है, एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट एज वेल। आई थिंक यू नीड टू डू अ लिटिल मोर वर्क। गुड लक गाइस, ठीक है? गुड लक, गुड लक, एंड प्रूव ऑल ऑफ अस रॉन्ग बाय बिल्डिंग समथिंग विद। गो अहेड, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, गुड लक, कीप स्माइलिंग।